आदाब आदाब। पता है मुझे क्या पता चला है? आज एक बहुत बड़ा वर्ल्ड डांस कंपटीशन होने वाला है। अरे वाह, और मुझे लगता है कि हमें अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहिए। जरूर जरूर। क्या जरूर, कहते हो? जरूर, जरूर। तो हम एक काम करते हैं, जाके इसके लिए रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है? चलो। आदाब आदाब जी। आदाब आदाब सलाम। हमें पता चला है कि यहाँ पर वर्ल्ड डांस कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्या हम रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ जरूर। आपका नाम? मेरा नाम सुर है। और आप किस पे नाचेंगे? हम क्लासिकल डांस परफॉर्म करेंगे। और आपका नाम? आदाब। आदाब। मेरा नाम बीट है। बीट, ये कैसा बेहुदा नाम है। हाँ, मेरा नाम बीट है और मैं एक वेस्टर्न डांसर हूँ और हम इनसे काफ़ी बेहतर है। नहीं, आपका नाम तो ताल है। नहीं जी, हमारा नाम बीट है, हम वेस्टर्न डांसर हैं, ताल नहीं है। और हम इनसे बहुत बेहतर है डांस में। नहीं नहीं, क्लासिकल डांस भी बहुत बेहतर है और पूरी दुनिया में इसको नवाजा गया है और इसकी बहुत मशहूर है क्लासिकल डांस, तो वो भी बहुत अच्छा है। आजकल के ज़माने में क्लासिकल डांस देखता कौन है? सब वेस्टर्न डांस ही पसंद करते हैं ना। आप लोगों की बात से तो बहुत दिलचस्प हो रही है, क्यों ना एक काम करें, आप दोनों के बीच ही हमें कॉम्पिटिशन रख लेते हैं। हाँ, क्या कहते हो? तैयार हो? हाँ ज़रूर। तो ये कॉम्पिटिशन उतनी आसान नहीं होगी आप लोगों के लिए। तैयार है चैलेंज लेने के लिए? हाँ तैयार है। आप लोगों को नाचना है एक फेमस लेजेंडरी अरब उर्दू पोएट उनके गज़लों पे। गज़लों में? हाँ क्यों नहीं, आप ही ने तो कहा अभी आप क्लासिकल डांसर से बेहतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम तैयार हैं। हाँ ज़रूर, हम भी तैयार हैं। तो डॉक्टर ज़ुबैर फारूक यहाँ के इस कंपटीशन के जज है, वो उनको मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर ज़ुबैर फारूक, क्या आप स्टेज पर आएंगे प्लीज़? आदाब। 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 तो हमारे को क्या और कोई भी जो है हमारे गज़लों पे जो है मतलब इनको गज़लें देने हैं? अच्छा, मैं इनको अपने अपना कलाम देता हूँ तो उसमें से वो चूज करके हम उनको फिर टॉपिक्स दे देते हैं, तो उस टॉपिक के मुताबिक जो है इनको डांस करना है। तो ये एक किताब जो है दे रहा हूँ, इसमें से आप जो है गज़लें चुन के आपने मतलब डांस करनी है, ठीक है? तो हम लोग तीन जो है ऐसा करते हैं कि हम लोग उनको कुछ तीन टीम्स देते हैं जिस पे वो मतलब वो डांस करें। अगर चाहें तो बेहतर है कि किसी वो जो क्लासिकल वाला है वो एक पॉप स्टाइल भी हमें दिखाएं कंटेम्पररी, और जो कंटेम्पररी वाला है वो भी एक क्लासिकल हमें दिखाएं, तो ताकि फुल हम लोग को पता चल जाए, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक, तो और कौन है जो है वो जज है तो वो भी साथ में। जाने किस सोच में तन्हाई पड़ी रहती जाने किस सोच में तन्हाई पड़ी रहती है। जान मेरी है कि सूली पे चढ़ी रहती है। जाने किस सोच में तन्हाई पड़ी शाम पड़ा रहता है। दिल
में गम है कि सुबह शाम पड़ा रहता है, दिल में गम है कि सुबह शाम पड़ा रहता है, गर खुशी आए भी दो चार घड़ी रहती है, गर खुशी आए भी दो चार घड़ी रहती है, जान मेरी है कि सूली पे चढ़ी सोच में तन्हाई पड़ी रहती है, एक महशर है के परपा ही नहीं होता है, एक महशर है के बरपा ही नहीं होता है, एक कयामत के सदा सर पे खड़ी रहती है, सदा सर पे खड़ी रहती है, जान मेरी है कि सूली पे चढ़ी रहती है, जाने किस सोच में तन्हाई पड़ी रहती है, मोहलत ही नहीं मिलती है फारूक हमें, अब तो मोहलत ही नहीं मिलती है फारूक हमें, अब तो मोहलत ही नहीं मिलती है फारूक हमें, आरज़ू मिलने की खुद से तो बड़ी रहती है, आरज़ू मिलने की खुद से तो बड़ी रहती है, जान मेरी है कि सूली पे चढ़ी रहती है, जाने किस सोच में तन्हाई पड़ी रहती है। वाह वाह वाह, सुर वालों ने अब पेश किया है तन्हाई इस गज़ल पे। चलिए देखते हैं अब ताल वो क्या पेश करते हैं इस टॉपिक तन्हाई पर। Thank you.
से जिसे तूने पुकारा जिसे नेक्स्ट टॉपिक है वो मजबूरी है. देखिए मजबूरी के लिए जो है वो किस तरह से पेश करते हैं ये सुर. मजबूरी में क्लासिकल वाले जो सुर वाले हैं वो पेश करेंगे वेस्टर्न डांस वेस्टर्न सॉन्ग पे, और जो ताल वाले हैं वो पेश करेंगे क्लासिकल डांस. चलिए ये भी देख लेते हैं. तेरे लिए फिर भी घर को सजाया है तेरे.